आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। आप लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक महिला लीडर प्रिया जराल ने कुछ एलिगेशन लगाए थे और वो काफ़ी सीरियस एलिगेशंस थे। मैं आपको याद दिलवाना चाहूँगा कुछ दिन पहले की, जब स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शोक समारोह था यहाँ पर जम्मू के कन्वेंशन सेंटर कनाल रोड पर, तो वहाँ पर मैडम प्रिया जराल जी ने कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, जिसके बाद आप लोगों ने प्रिया जराल जी का इंटरव्यू भी देखा जेके मीडिया पर। हमारे साथ खास बातचीत में उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा था। उसके बाद से लेके आज तक अगर बात की जाए, क्या प्रिया जराल जी को पार्टी की तरफ से कुछ किसी तरह की कोई ये चीज़ कहा गई कि जो इन्होंने एलिगेशन लगाई हैं उसके ऊपर जो है किसी तरह की कमेटी बैठेगी, या फिर पार्टी की तरफ से इनके साथ साथ कौन आज खड़ा है जो उन्होंने ये सीरियस एलिगेशन लगाए हैं? क्योंकि जब इस तरह के एलिगेशन लगाए गए और उसके बाद हमने बातचीत की थी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रधान रजनी सेठी जी से, तो उन्होंने साफ ये कह दिया था कि ये बेसलेस एलिगेशंस हैं। और उसके बाद आज हम बात करने एक बार फिर से पहुँचे हैं प्रिया जराल जी से और पूछेंगे उनसे कि आज पार्टी अगर ये कह रही है, महिला मोर्चा के प्रधान ये कह रहे हैं कि ये बेसलेस एलिगेशंस हैं, तो क्या आज उनको उस पार्टी के ऊपर विश्वास है जिस पार्टी को उन्होंने 2008 में ज्वाइन किया था? भारतीय जनता पार्टी 2008 में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर लाइमलाइट के अंदर आई थी, क्योंकि उस टाइम अमरनाथ भूमि आंदोलन चला था और अमरनाथ भूमि आंदोलन के वक्त प्रिया जराल जी ने ये पार्टी ज्वाइन की थी 2008 में। उसके बाद मैडम दो बार जो है वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के, और उसके साथ साथ स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। आइए बात करते हैं मैडम प्रिया जराल जी से। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जिस तरह से मैडम उस दिन आपने एलिगेशंस भी लगाए थे और उसके बाद हमने बातचीत भी की रजनी मैडम से और उन्होंने बोला कि बेसलेस एलिगेशन है, क्या लगता है इतना टाइम आपने पार्टी को दे दिया और अगर आप आज सच बोल रहे हैं जो आपका कहना है, जो आपके मुताबिक अगर सच है, अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं, तो क्या आपको पार्टी को आपका साथ नहीं देना चाहिए था जो पार्टी हमेशा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी कुछ जो काफ़ी सदस्य हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं जैसे मैं उस टाइम जो वाजपेयी जी की शोक सभा थी वहाँ मुझे ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं थक गई थी इनके आगे जो है। मैं कितनी बार तो गिड़गिड़ाई हूँ अपने हक के लिए, लेकिन इन्होंने मेरी आवाज़ को दबाना ही, मतलब इन्होंने सोचा कि मैंने दबाना ही दबाना हम लोगों ने। तो मैं वहाँ पे जब गई तो मुझे ये था कि यहाँ आज मतलब पूरा जम्मू यहाँ पे बैठा है, कम से कम एक बेटी की आवाज़ सुने। और मैक्सिमम होता है कि इन लोगों को ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कोई प्लानिंग कर रखी थी कि वहाँ जाने के लिए कि वो जाएंगी और कुछ बोलेंगी, मतलब उस टाइप से मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इनको कोई पोस्ट चाहिए थी। मैं हैरान हूँ, पोस्ट तो ऑलरेडी मेरे पास थी जब मैंने ये लड़ाई शुरू करी, जब मैंने ये लड़ाई बलवीर के ख़िलाफ़ शुरू करी तो सारी पार्टी को पता है, मैक्सिमम जो हमारे सीनियर लीडर हैं उनके आगे मैंने बात रखी और सब ने ये कहा ये उच्च पद पर बैठा हुआ है, हम इसके लिए मतलब इस टाइप से कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठा सकते, तो टाइम आने पे आहिस्ता आहिस्ता हम इसको साइड लेंगे। उसको साइड लेने के बजाय ये लोग मुझे आहिस्ता आहिस्ता साइड ले गए और उसको प्रमोशन देते गए, वो उसको वो नए पद जो है वो मिलते रहे। मैं हैरान हूँ कि एक बेटी को निराशा मिलती रही और जो गुनहगार था उसको ये लोग आगे बढ़ाते, और जो महिला ऐसा बोल रही हैं, मैं हैरान हूँ। एक महिलाओं का साथ देना चाहिए, मैंने महिलाओं की आवाज़ उठाई है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और सच्चाई के लिए बोली हूँ मैं, और अगर वहाँ पे बात नहीं रखती तो कहाँ रखती, क्योंकि मैंने आज तक जहाँ भी बात रखी इन्होंने सुनी नहीं है। और जो भी मेरे सामने आता था यही बोलता था कि वो उसके ऊपर बड़े किसी व्यक्ति का हाथ है, अब मैं कहाँ जाती? मैम कितनी आपको निराशा हुई जब भारतीय जनता पार्टी की कम से कम पूरी महिला मोर्चा को तो आपका साथ देना चाहिए था और जिस तरह से वो कहते हैं कि बेसलेस एलिगेशन है, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने एक मतलब निडर होके बाहर आके आवाज़ उठाई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार ये कहते हैं कि बेटियों को इस तरह से कोई भी चीज़ सहन नहीं करनी, कोई भी चीज़ कहीं पे गलत हो रही हो तो बाहर आना चाहिए। मैं यही सोच के, मैंने सही में यही सोच के किया कि पहले मैं दबी रही, पहले मैं इन लोगों के साथ बात करती थी, जैसे ही मैं अब देखा कि मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी वो हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को दबना नहीं है आगे आना है,
और मैं आगे आती और मैंने ये सोचा कि आगे आके कम से कम मैं अपना पॉइंट से रखूँ, अपनी कुछ बातें तो रखूँ, ये मुझे निकालते भी हैं तो कम से कम मैं महिलाओं के लिए एक आवाज़ उठा के जा रही हूँ कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप निडर बनिए और इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर ये मुझे साइड लेते हैं तो कम से कम मेरे जो बड़े ऊपर सीनियर लीडर हैं उनके कानों तक बात जाए कि कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं निराश हो रही हैं। मैम एक चीज़ है, जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी बात आती है तो आपका एक डिसिप्लिनरी वो है सेल है बना हुआ जिसके अंदर पूरी कमेटी बैठती है और इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। मैं पिछला केस जो अभी एक एमएलए साहब के ऊपर भी केस हुआ था, आप भी जानते हैं, पूरी कमेटी बैठी, उन्होंने एक डिसीज़न लिया, 3 महीने का टाइम भी दिया हुआ, सब कुछ हुआ, आप सब जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी बैठनी चाहिए, जो आपने एक एलिगेशन लगाया है आपकी भी आवाज़ सुननी चाहिए और जिसके ऊपर आपने एलिगेशन लगाया है वो भी सारे जो है सत्य बाहर आना चाहिए, और अगर आपके एलिगेशन सही हैं तो एक कड़ी सज़ा या फिर कुछ जो भी पार्टी का तरीका है जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी लेती है उसको ऐसा ये चीज़ भी करनी चाहिए? देखिए पहली बात है, मुझे लगता है कि जम्मू के अंदर हमेशा ही महिलाओं को दबाया गया है, क्योंकि जब मैं वहाँ प्रोग्राम में गई तो मैंने देखा वहाँ बड़े से बड़े दिग्गज, मतलब जो हमारे नेता थे, बड़े से बड़ा, मतलब जो हमारे जम्मू की आवाज़ जो उठाने वाले वहाँ सीनियर लीडर जो बैठे हुए थे, वहाँ महिला नहीं थी कोई स्टेज पर। मैं देख रही थी कि क्या हमारी महिलाएँ इतनी कमज़ोर हैं कि स्टेज पर 2 शब्द नहीं बोल सकती वाजपेयी के लिए, वो उन्होंने क्यों वहाँ पर उसको कोई महिला को खड़ा नहीं किया। चलो जो वो भी मैंने देखा, वहाँ भी कमज़ोरी हुई, लेकिन यहाँ हमारी पार्टी में कितनी देर होगी मैंने चलते हुए, मैंने देखा इन्होंने कोई भी ऐसी ऊपर कमेटी नहीं गठित की जिससे हम अपनी आवाज़ सुना सकें और वो हमारी आवाज़ सुने और ऊपर तक जाए, मतलब ऐसा इन्होंने आज तक सुना किया ही नहीं, मतलब हमारे पक्ष में कोई बात रखी नहीं। अब मुझे हो रहा है कि मेरे खिलाफ़ कोई इन्होंने एक्शन लिया है, अगर लिया है तो मैं सुनाऊँगी कहाँ, वहाँ पे भी आदमी लोग बैठे, अरे मुझे वहाँ कह रहे कि इस लेडीज़ ने आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। मैं वहाँ तो कहते ना, एक औरत जब कपड़े उतरते हैं उसके, तो ये लोग सोचते हैं कि जगह जगह उतारे जाएं, अरे वहाँ ही इन्होंने नगन किया, अब जो चाहते हैं 4 लोग वहाँ बैठे, मैं वहाँ पे भी ऐसी सब बातें करूँ? कम से कम यहाँ तो कोई महिला हो जो मैं जिस तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँ और वो महिला मेरी पीड़ा को समझे कि हाँ वाकई ये अंदर से कितनी दुखी, और कई महिलाएं होंगी जो ऐसे अंदर बैठी हुई हैं, ये क्यों हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। और मैंने सोचा कि हाँ मैं अपनी बात रखती हूँ और मैं अब लड़ाई लड़ रही हूँ, लेकिन अभी मुझे धमकाया जा रहा है। हाँ अंदर से मुझे काफ़ी लोगों का सपोर्ट है कि आपने बहुत अच्छा किया, मैं मेरे फेवर में बोल रहे हैं, मैंने उनको बोला आप सामने आइए, उनका सामने नहीं, आप लड़ाई लड़ो, हम आपके साथ। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है पार्टी के अंदर जो जो देखिए ऐसा है, अगर अब जो पीछे सीन हुआ, इन्होंने कहा कि गगन भक्ति जी का जो सीन हुआ, ठीक है, इन्होंने कहा कि प्रिया जी के साथ ऐसा क्या हुआ, प्रूफ दे, आप मेरे पास आए हैं, मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मैं कोई गलत वर्ड यूज़ करती हूँ तो आप मीडिया कवर करेगा। मैं वहाँ जब गई तो मैं कोई प्लानिंग से नहीं गई थी ना, एकदम से एक आदमी गलत भाषा बोलता है तो मैं कैमरा कहाँ से निकालूंगी वहाँ, और कहाँ मेरी फुटेज होगी कि वो बंदा मुझे क्या बोल रहा है। और मुझे बताइए जो फुटेज दिखाई गई, जो अभी गगन भक्ति जी की सारी फुटेज दिखाई गई, तो ये पार्टी अपने पक्ष नहीं, सामने अपने सच्चाई ना रखते हुए क्या बोल रही है कि फेस किसी का है और मतलब धड़ किसी का है, मतलब इसका मतलब अगर इतनी बड़ी सच्चाई इनके सामने रखी जा रही है, जो पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, पूरी उनकी जो बीवी हैं वो भी अपनी बात रख रही हैं, ये लोग सुन ही नहीं रहे, इसका मतलब इन्होंने सच सुनना ही नहीं है। तो जब सुनना ही नहीं तो हमने सुनाना क्यों है, हम सीधी इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे? मैम अगर स्टेट बीजेपी से आपको इंसाफ नहीं मिलता तो क्या आपको लगता है कल को कोई महिला अगर इस तरह का कुछ गलत होता भी है तो क्या वो सामने आएगी? क्या लगता? मुझे नहीं लगता, जिस तरह से अगर मेरा एक ऐसा है कि मेरी पूरी पार्टी मुझे जानती है कि मेरा करेक्टर किस टाइप से है, अगर ये मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि कल को कोई औरत आगे आके बोल पाएगी। इंसाफ होगा तो यही होगा, अगर नहीं होगा तो मैं तो पार्टी से पूरी उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इतने अच्छे अच्छे लीडर पर बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि सारी करप्टी है, कुछ लोग हैं जो चंद लोग हैं उनको बाहर निकालना है, हमने ये आवाज़ मेरी उनके लिए है, जो चंद लोग हैं उनको हमने बाहर निकालना है, अगर ये नहीं लेते कोई अच्छा डिसीजन मैं सेंटर तक जाऊँगी। मैम इस सवाल पर मैं एक बार फिर से आऊँगा, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में और घर करके बैठा हुआ बड़ी देर से, मैं पूछना भी चाहता था। देखिए आज ये आपने एक एलिगेशन तो लगाया है पार्टी के ऊपर, इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली स्टेट में जम्मू में, जिसके लिए जम्मू ने इसलिए वोट दिए क्योंकि वो तंग आ चुके थे बाकी पार्टियों से, और सही भी है,
हर एक को अपना हक है वोट देने का, और उन्होंने पार्टी भी चुनी। लेकिन जो 3 साल में इन्होंने यहाँ पर किया, जिसके बाद आज हर एक आदमी, आप भी सुनते होंगे, जो मार्केट में इस टाइम यही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लिए कुछ नहीं किया, जो कि 25 MLA कर सकते थे, ये आपने भी सुना होगा, ये आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। क्या आपको लगता है कि इसी बीच के अंदर, पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग डेवलपमेंट या फिर सही काम करने से भी रोकते हैं? क्या ऐसे लोग हैं आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी को तो दुनिया जानती है, उनसे तो सारी दुनिया जुड़ी हुई है। उनके जो काम है उसको लेके हमारे लोग जो है उत्साहित है कि वो हमारे लोग अच्छे आएंगे, आ भी गए, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए आए। कुछ लोग होते हैं जो पार्टी के साथ जुड़ते हैं अपना बिजनेस बचाने के लिए, कुछ लोग होते हैं जो सामाजिक सेवा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो तालियां मारते हैं। हम लोग हैं समाज में काम करने वाले, और हमारी सुनी नहीं जा रही। और जो लोग काम करने वाले हैं वो निराशित है, और कहीं ना कहीं वो परेशान है कि आने वाला टाइम पे हो सकता है बुरा वक्त आ जाएगा इस पार्टी के लिए। और हम आगे बात रख रहे हैं कि अगर ये पार्टी इतनी दूर तक पहुंची, क्योंकि यहाँ पे जम्मू के अंदर तो कोई पार्टी थी नहीं ढंग की, तो ये था कि एक उम्मीद थी बीजेपी पार्टी से, लोगों को आज भी है, मुझे लगता है आज भी लोगों को है। लेकिन अगर इसी ढंग से ये हमारी आवाज़ को दबाते रहेंगे, आने वाला टाइम पे इनके लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। मैडम, अब मेरा पिछला सवाल जो जुड़ा हुआ था, जो आपने बात की है कि सेंटर तक आप जाएंगी, मैम अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूनिट से आपको इंसाफ नहीं मिलता, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, अगला स्टेप मेरा ये होगा, पहले तो मेरी कोशिश पूरी यहाँ पे है, अगर ये नहीं मेरी बात सुनते हैं फिर मैं सेंटर तक जाऊँगी, क्योंकि मैंने अपना जो मेरा हक है, जो मेरा हक है, मैं एक औरत हूँ, मैं अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ, मैंने हक मांगना है मोदी जी से, और उनको मेरी आवाज़ सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुनेंगे तो ये जम्मू की जनता ऐसे नहीं बैठी हुई है, मेरे लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, बोलिए आपके साथ, हम पार्टी के साथ क्या करें। और मैंने उनको बोला कि हम क्राइम के खिलाफ हैं, हमने कोई क्राइम नहीं करना, हमने बाकायदा इनके ऊपर जो हमारी, अगर हमें वकील भी करना पड़ा, मुझे टाइम आने पर इन पर केस भी करना पड़ेगा, तो मैं करूँगी। क्या अभी तक प्रधानमंत्री साहब से आपने कोई चिट्ठी वगैरह अपनी तरफ से लिखी है कि जो ये सब कुछ हुआ? देखिए, ऐसा है कि मैंने लेटर तैयार कर दी हुए हैं, और मैंने 3-4 लोगों को मैक्सिमम पोस्ट अभी होने वाले हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी होंगे। हाँ, प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो मेरे मेन लोग हैं, उन तक मेरा लेटर जा रहा है। आप कुछ वेट कर रहे हैं लेटर भेजने के लिए कि आज स्टेट? मैं सोच रही थी कि शायद इन लोगों को थोड़ी सी शर्म आ जाएगी, हो सकता है कुछ लोग अंदर ऐसी बात रख रहे हो कि कुछ ना होगा, कुछ तो कुछ है जो प्रिया बोल रही है। मेरे ख्याल से महिलाएं भी जानती हैं अंदर खाते कि बहुत कुछ हुआ है, उनको मेरा साथ देना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए। पीठ पीछे जो मुझे बोल रही हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, मैं कहती खुल के सामने आए, जिस जैसे बम बम बोले के टाइम आई थी, उस टाइम भी हमारा मुद्दा था जम्मू कश्मीर को लेके, आज भी जम्मू कश्मीर का ही है, आज भी जम्मू कश्मीर की बेटी का ही है, तो मुझे लगता है अपनी आवाज़ उठानी चाहिए जैसे मैंने उठाई। आपको लगता है 10 साल लगभग 2008 से 2018 देखें, 10 साल आपने भारतीय जनता पार्टी को दी, क्योंकि मैं जानता हूँ जब एजिटेशन, यहाँ पे सबसे बड़ी एजिटेशन हुई है जो 2008 की, जिस तरह से आप तिरंगा झंडा लेके उस एजिटेशन को लीड करते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपने जो 10 साल दिए हैं वो सही पार्टी को नहीं दिए? देखिए, पार्टी की बात नहीं, मैं समझती हूँ कि हमने जम्मू के लिए किया, जो किया हमने अपने देश के लिए किया। हाँ, ये कुछ चंद लोग जो हमारी, जो हमने काम किया है उसको ना देखते हुए कि ये जम्मू की बेटियां हैं, ये अगर सड़कों में निकली हैं तो इनको हमारे से कोई उम्मीदें हैं, क्योंकि जम्मू की बेटी ये चाहती है कि हम जहां भी खड़े हों हम सेफ हों, हम जहां भी खड़े हैं और हम फख्र से कहें कि हम इस पार्टी के अंदर हैं, पार्टी नहीं हम समाज के अंदर हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन अगर हमें खतरा है, मुझे भी अब हो रहा है कुछ हद तक, जिस तरह से मेरे को हो रहा है कि पार्टी ऊपर कह रही है कि क्या पता आपके साथ कुछ गलत हो जाए, मैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे अंदर खाते थोड़ी सी हो रही है, टेंशन हो रही है कि जिस तरह से मेरी प्रॉब्लम ये बढ़ा रहे हैं, तो ये मेरे को डरा रहे हैं, अंदर खाते मेरे को डरा रहे हैं कि हो सकता है मेरे पक्ष में फैसला ना हो। नहीं होगा तो क्या होगा, मैं घर में थोड़ी ना बैठूंगी, मैं तो लड़ूंगी, लेकिन हाँ मुझे डर है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे आने वाले टाइम पे अगर मेरे साथ, मैं नाम लेती हूँ, अभी तो मैंने नाम लिया ही नहीं है ना, अभी नाम नहीं लिया तो ये हाल है, मुझे पता है जैसे मैंने नाम लेना है मेरे लिए खतरा बढ़ जाना है, और मुझे इस पार्टी से और मुझे आम जम्मू की जो बाकी पार्टियां हैं मुझे उनसे सहयोग चाहिए कि भाई मेरी आवाज़ सुनो
और प्लीज़ मेरा सहयोग करो। मैडम जिस तरह से कुछ लोग बात कर रहे हैं कि सबूत, आपको सबूत लाने के लिए कह रहे हैं, तो मैडम कोई ऐसा कुछ जिस तरह से आजकल कुछ चैटिंग वगैरह, कुछ मैसेजेस, ऐसे कुछ सबूत हैं अगर डिसिप्लिनरी कमेटी में ये जाता है पूरा मुद्दा, तो क्या उस टाइम आप ये चीज़ें पेश कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सबूत मैडम लेके आए। देखिए ऐसी बात जो कर रहे हैं मैं हैरान हूँ, क्योंकि जिस बंदे के खिलाफ मेरी बात हो रही है उसको कभी मैंने कॉल ही नहीं करी, कभी मैंने उससे चैटिंग ही नहीं करी, तो मैं कैसे रखूँ? जैसे उसके बाद मेरी बात हुई मैंने उसको बात करना ही बंद कर दी। हाँ ये है कि कुछ लोग जैसे बताते थे कि वो ऊपर बैठ के एक कमेंट पास करता है, जैसे लेडीज़ के बीच में बैठा होता है कि मैं इसको ये नहीं करने दूंगा, आगे नहीं आने दूंगा, ऐसे कुछ लोग बताते थे, लेकिन वो प्रूफ नहीं होते, वो सच है कि प्रूफ नहीं होते, क्योंकि आज वो मेरे साथ है कल वो किसी और के साथ होंगे। लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि मुझे अपना पक्ष रखना है आने वाले टाइम पर। हाँ मैं ये बोल सकती हूँ जिस बंदे को इसने भेजा था, जिस बंदे का नाम लिया है, मैं उसको ओपन कर सकती हूँ टाइम आने पर। मैम एक आखिरी सवाल, मोदी जी अगर ये वीडियो देख रहे हो क्या इंसाफ की गुहार लगाए? मैं यही कहूँगी कि अगर एक बेटी सबके सामने आई है, मैं कहती हूँ कोई भी लीडर हो, मैं उनके अपने घर की अगर कोई बेटी इस तरह से आवाज़ उठा रही है, चाहे वो एक गरीब दबके की है चाहे वो मीडियम है, लेकिन उसकी आवाज़ नो दबनी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि अगर बच्ची बोल रही है तो हक मांग रही है, और मैं कुछ नहीं मांग रही पार्टी से, मैं कह रही हूँ सिर्फ उस बंदे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दो, उसकी पोर्ट्स छीनी जानी चाहिए, क्योंकि वो आज मेरे साथ कर रहा, हो सकता उसने कई लड़कियों के साथ ऐसा किया हो, कितनी सारी लड़कियां मजबूर हुई हूँ, मैं आज चुप नहीं बैठ रही, तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि आने वाले टाइम पे वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, हो सकता है वो कल और ज़्यादा लेडीज़ को मजबूर करे इस स्टेप से। शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रिया जराल जी, ये सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने और इंसाफ की भी गुहार लगाई है। कहना है उनका कि एक दो दिन तक अगर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट ने इंसाफ नहीं दिया जो भी इनके एलिगेशंस हैं, तो ये जो चिट्ठी इन्होंने लिख चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और कुछ और भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स को, उसके अंदर ये इंसाफ की गुहार लगाएंगे। आशीष कोहली कैमरामैन अशोक चोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए।